राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बार बार हो रहे हैं सर्वे, जहां एक और बीजेपी, कांग्रेस और आम पार्टी और अन्य पार्टियां अपने अपने तरीके से सर्वे करवा रही हैं और टिकटों के वितरण के लिए यह देख रही हैं कि कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है, उसी पर फिर टिकट की मोहर लगाई जाए। वहीं दूसरी ओर जो बड़े नेता हैं राजस्थान के अंदर, कांग्रेस पार्टी की देखें चाहे हम बीजेपी की देखें, वे अपने पड़ोसी को, रिश्तेदार को या फिर जानकार को टिकट दिलाने का दबाव बनाए हुए हैं। हालांकि बीजेपी पार्टी की बात कर लें तो जयपुर के अंदर जब अमित शाह और जेपी नड्डा आते हैं तो उन्होंने दोटू कहा कि जीतने वाले को टिकट दिलाने के लिए आप सिफारिश करें, न कि अपने पुराने नेताओं को या फिर नए नेताओं को या फिर रिश्तेदारों को इस पार्टी के अंदर टिकट दिलाने का दबाव नहीं बनाए। दो टूक उन्होंने कहा कि जो जीतने वाला है उसी का नाम आगे किया जाए। हालांकि बीजेपी पार्टी के अंदर तमाम तीन चार बड़े जो लीडर हैं वे अपने अपने तरीके से टिकट दिलाने के लिए सूचियां तैयार कर आलाकमान को दिखा चुके हैं, लेकिन आलाकमान के द्वारा इन सूचियों पर विचार करने की बजाय जो सर्वे किए गए हैं उस सूची को खंगालने का काम किया हुआ है। कांग्रेस पार्टी की तरफ देखें तो अशोक गहलोत अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं और वे अपने अपने जो लोग हैं उनको टिकट दिलाने का प्रयास करेंगे और सचिन पायलट जो कि गुर्जरों के तमाम बड़े नेता हैं वे अपना दबाव बनाए हुए हैं। हालांकि टिकट का फार्मूला कांग्रेस पार्टी भी सर्वे को अहम मान रही है और बीजेपी पार्टी भी अहम मान रही है। बीजेपी पार्टी की बात कर लें तो जब वसुंधरा राजे को अब तवज्जो देनी शुरू की गई है तो उन्होंने भी दबाव बनाना शुरू किया है कि अपने लोगों को वे टिकट ज़्यादा दिलाने का प्रयास करेगी, लेकिन वसुंधरा राजे को अब जो मान मुनहार कर एक तरह से सेट किया जा चुका है, पार्टी के अंदर उनको तवज्जो दी जाने लगी है। जितनी भी चुनाव संचालन और चुनाव टिकट वितरण से संबंधित बैठकें हो रही हैं उसके अंदर वसुंधरा राजे, जयपुर की बात करें चाहे दिल्ली की बात करें, वहां पर उन बैठकों के अंदर वे शामिल रहती हैं और बातचीत कर रही हैं अपने तरीके से। वे राजस्थान के बीजेपी को किस प्रकार लाना है इसका मंथन भी वे बार बार करती नज़र आ रही हैं। वहीं अगर हम चुनावी इस सर्वे के दौरान और फलोदी सट्टा बाजार को देखें तो उसका भी उतार चढ़ाव जरूर बना हुआ है और संभाग वार फलोदी सट्टा बाजार अपना मनन करता है, चिंतन करता है और फिर सर्वे के जो रोट है और जो सट्टा बाजार के अंदर रिपोर्ट्स आती हैं उनको जारी भी समय समय पर मीडिया के जरिए कर रहा है। फलोदी सट्टा बाजार की बात करें तो उसके द्वारा अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स मीडिया के अंदर जारी की गई हैं उसके अनुसार बीजेपी जो है राजस्थान के अंदर सरकार बनाती दिख रही है, कांग्रेस पार्टी नीचे के पायदान पर चली गई है। हालांकि पिछले दिनों कुछ उतार चढ़ाव जरूर आया और कांग्रेस पार्टी की सीटें जो रिपोर्ट्स सर्वे के दौरान आ रही हैं, अलग अलग एजेंसी सर्वे कर रही हैं और पार्टियां स्वयं भी सर्वे करवा रही हैं और बीजेपी पार्टी को 120 और 125 के बीच में सीट अभी वर्तमान समय का जो सर्वे आया है उसके अंदर दिखाई जा रही हैं और कांग्रेस पार्टी की कुछ सीटें बढ़ती भी दिखाई गई हैं और 80 और 75 के बीच में सीटें अब दिखाई जा रही हैं। जो भी हो, ये सर्वे की रिपोर्ट बार बार उतार चढ़ाव में आती रहेगी, लेकिन टिकटों का वितरण किस प्रकार होता है यह महत्वपूर्ण है। अगर कांग्रेस पार्टी अपने टिकटों का वितरण सही तरीके से कर लेती है और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कोई मनमुटाव नहीं रहता है तो कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ सकती हैं और अगर बीजेपी पार्टी जो तीन चार तमाम नेता मुख्यमंत्री का चेहरा बनने की ललायत हैं और वे अपना हट छोड़ देते हैं, मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं तो फिर बीजेपी पार्टी बाजी मार सकती है, अन्यथा तीसरा जो मोर्चा है वह भी इसमें कुछ ना कुछ खेला जरूर करेगा, क्योंकि जो तीसरा मोर्चा बना है वह भी अपना तोड़ मरोड़ कर कुछ ना कुछ करने के जुगाड़ में जरूर लगा हुआ है। वे भी राजस्थान के अंदर खेला जरूर करेंगे अगर सीटों का
बंटवारा सही नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी को तीसरे मोर्चे की आवश्यकता जरूर पड़ सकती है। इसलिए तीसरा मोर्चा भी जोर शोर से लगा हुआ है कि उनका महत्व चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों तरफ उनके दोनों हाथ में लड्डू है। कोई भी पार्टी अगर कम सीटें लाती हैं तो फिर उनकी मान मोहनहार और फिर उनकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। इसलिए वह भी दमखम के साथ राजस्थान के अंदर चुनाव में उतरा हुआ है। हाँ, आप पार्टी की बात करें तो उसका अभी ठंडे बस्ते में काम चल रहा है। आम आदमी पार्टी सक्रिय रूप से राजस्थान के अंदर अभी तक सामने नहीं आई है। न कोई सीटों की बात हो रही है और न ही रैलियों की ज़्यादा बातचीत हो रही है। कुछ जिलों के अंदर एक दो रैली जरूर हुई, गंगानगर हुई और जयपुर के अंदर रैली हुई, वहीं तक आम आदमी पार्टी सिमटी हुई है। देखते हैं आगे आम आदमी पार्टी के द्वारा राजस्थान में सक्रिय रूप से चुनाव लड़ा भी जाता है जहाँ फिर कुछ सीटों पर वे अपना जो है फ़ायदा देखकर ही चुनाव लड़ते हैं। यह भी तमाम बातें देखने वाली होंगी, लेकिन वर्तमान समय के जो सर्वे बताए जा रहे हैं उसके अनुसार राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। आगे भी हम जब सर्वे की रिपोर्ट्स आएगी तो श्रोताओं को इसकी जानकारी ज़रूर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुरुदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।